इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जिसको सुख की इच्छा नहीं है। सुख की इच्छा सभी करते हैं, हर एक जीव सुख की इच्छा और सुख के प्रति और सुख के जो है खातिर दिन रात मेहनत कर रहा है। आप जरा गौर कीजिए, यदि आपको भूख लगती है आप भोजन करते हैं तो सुखी महसूस करते हैं। जब प्रतिकूल वस्तु और प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो आप दुख के जो है अनुभव करते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तो सुख अनुभव करते हैं। आपकी इच्छा जो है पूर्ण होने लगे तो सुख अनुभव करते हैं। अब इन स्थिति परिस्थितियों से ऊपर उठ करके आज थोड़ा मनः स्थिति के ऊपर बात करें, और फिर ये भी देखें कि यदि सभी व्यक्ति सुख की इच्छा तो करते हैं पर सुखी कौन है और सुख है कहाँ, ए सुख तू कहाँ है। सुख का उद्भव धर्म के द्वारा होता है। कहते हैं ना, पुरुषार्थ के चार हिस्से हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये धर्म ही सुख का अनुभव कराते हैं और यही उद्गम है। धर्म से ही सच्चा सुख मिलता है। धर्म के बिना कर्म बेकार है, और कर्म के प्रति एक उद्देश्य ना हो तो वह भी अनायास ही जो है समय की बर्बादी है। अनेक प्रकार के अस्थाई सुखों की प्राप्ति के बाद जब मनुष्य शरीर मृत्यु का ग्रास बनता है तब सुख साथ नहीं देता है, केवल धर्म ही साथ देता है। कहते हैं ना कि यह भजन जीवन और जीवन के बाद दोनों के लिए है। पृथ्वी पर राजा से लेकर के रंक सभी व्यक्ति आशा और आकांक्षाओं के मध्य अस्थिर हैं। ऐश्वर्य, उपलब्धि, सफलता, धन, बल, समाज आदि में भी संतोष ही तो है। कामनाएं, वासनाएं कभी समाप्त नहीं होती। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसे जीवन की हर एक इच्छा पूर्ण जो है हो गई हो। अतः धर्म के अनुशीलन में ही, धर्म के पालन में ही परम संतोष है। संतोषम परम सुखम, और यह संतोष कहाँ से मिलता है? धर्म से। धर्माचरण से ही इंद्रिया शक्ति की सम्यक स्फूर्ति, तृप्ति की साधना करने के बाद सभी प्रकार के जगत से बाह्य यथार्थ तत्व को आत्मा में उपलब्ध करने में ही सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात ब्रह्मा आनंद, ब्रह्म आनंद, परम आनंद के तुलना में इस संसारिक वस्तु, व्यक्ति और सुख ये सब कुछ तुच्छ मालूम पड़ते हैं, बशर्ते कि उस परम आनंद की अनुभूति तो हो जाए, क्योंकि यह संसारिक सुख तत्क्षण अर्थात क्षणिक है। इस जगत के सुख सीमित, अस्थाई और धोखा देने वाले हैं। यदि अनुकूल परिस्थिति, वस्तु और पदार्थ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तब वे सुख के कारण बन जाते हैं, पर यदि प्रतिकूल व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति प्राप्त हो जाती है तो जीवन में दुख आने लगता है। संसार में अनुकूलता और प्रतिकूलता आते जाते रहती है, और यह परिवर्तन ही संसार का नियम है। कभी समय अनुकूल रहेगा तो कभी प्रतिकूल रहेगा। यह भी सच है कि मनुष्य को हमेशा अनुकूलता प्राप्त नहीं हो सकती है, और वह चाहत तो है कि हमेशा हमारी जो है मनोनुकूल सारी कार्य हों, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी कारण से व्यक्ति विशेष दुख देखता है। विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख दोनों अनित्य हैं, ऐसा कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को समझाते हैं। जिन विषयों से भोग काल में सुख प्राप्त होता है उन्हीं विषयों से वियोग की दशा में दुख होता है। अर्थात जब आज पुत्र हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और क्या आनंद होता है जब वही बड़ा होकर के कहता है कि आपने हमारे लिए किया क्या है, और साथ छोड़ देता है, तो उस वियोग में दुख होने लगता है। संसार में ऐसा कोई भोग नहीं है जिसका वियोग ना हो, अर्थात
संसार में मिलने वाला हर भोग का वियोग होना तय है। बी हटा दीजिए तो योग, जीवन में यदि योग है तो आप जो है निश्चिंत रहिए, भगवान की भक्ति है तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि संसार में जो भी मिला है, जो भी भोग है, उसमें वियोग निश्चित है, वह नाशवान और अस्थिर है और सुख का कारण भी नहीं है। वस्तुतः जगत की वस्तुओं से सुख की प्रतीति किसी धर्म से नहीं अपितु अज्ञान से है। अतएव मानव का कर्तव्य है कि जिस उपाय के द्वारा वह माया और मोह से मुक्त होकर के आत्म उपलब्धि करा सकता है वही उपाय करे, क्योंकि संसारिक सुख ठीक वैसे ही है जैसे दूर से देखने पर रेत का टीला पानी की तरह प्रतीत होता है, परंतु जब आप पास जाते हैं तब वास्तविकता मालूम पड़ती है कि यह पानी नहीं, यह तो रेत है। मनुष्य का लक्ष्य संसारिक सुख नहीं है, उसका लक्ष्य आत्म उन्नति, और इस आत्म उन्नति का मूल साधन कर्म है और कर्म के पीछे धर्म है, क्योंकि धर्म के बिना कर्म व्यर्थ है और कर्म के बिना आत्म उन्नति का लक्ष्य जो है मुश्किल है। धर्म के बिना जीवन शून्य है, धर्म तत्व जीवन का नियामक है। और धर्म क्या है, जो सब, क्योंकि प्रश्न आता है कि धर्म क्या है, तो जो सब वस्तुओं को धारण करता है, अर्थात धर्म का मतलब होता है धारण किया जाए वही धर्म है। धर्म ज्ञान होने से ही मनुष्य अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। यदि व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है, अर्थात धर्म का ज्ञान नहीं है, वह तो केवल एक पशु है, बिना पूंछ का पशु है, बिना सिंह का पशु है। सभी जीव धर्म के द्वारा ही न केवल रक्षित है बल्कि परिचित भी हैं। मनुष्य इस विषय में अनेक अंशों में स्वाधीन है, अन्य जीव प्रकृति के अधीन है, जबकि व्यक्ति स्वाधीन है। अतः धर्म साधना के लिए मनुष्य शरीर ही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि अन्य जीव सिर्फ भोग भोगने के लिए ही पैदा होते हैं, जबकि मनुष्य उस परम आनंद के प्राप्ति के लिए पैदा होता है। यह शरीर एक मौका है जिससे कि हम इस जीव मात्र से हमेशा हमेशा के लिए विरक्त हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल मनुष्य मात्र होने से ही धर्म ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आज भी असभ्य देशों में रहने वाले ऐसे लोग हैं जो न तो धर्म से परिचित हैं और न ही धर्म का अनुपालन करते हैं। इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हर एक रेत के कण से लेकर पशु पक्षी ही नहीं, देवताओं तक का धर्म अवश्य है, और जो है वह धर्म ही धारण किए हुए हैं, अर्थात प्रकृति, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव ही धर्म है। और मनुष्य का धर्म यह है कि वह परम तत्व को, परम आनंद को, परमानंद को, सच्चिदानंद को प्राप्त कर ले। जो मनुष्य धर्म का अनुशीलन करते हैं यथार्थ में वे मनुष्य हैं। जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन आदि में रत हैं, वे मनुष्य शरीर में भी एक पशु ही हैं। अतः मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर धर्म ज्ञान प्राप्त करना, और जिस तरह से आप जिस समाज में, जिस देश में रहते हैं, उसका नियम आपको जो है मानना अनिवार्य है, ठीक उसी तरह से मनुष्य होने के नाते यह धर्म ज्ञान अर्थात वैदिक ज्ञान, अर्थात प्रभु श्री राम का ज्ञान या कृष्ण का ज्ञान या जो है पैगंबर का ज्ञान या ईसा मसीह का द्वारा दिया गया धर्म ज्ञान मानना अति आवश्यक है, जिससे कि जीवन की मुक्ति प्राप्त हो सके। प्रभु ने असीम कृपा कर मानव को ही वह शक्ति दी है जिससे उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचा जा सकता है, और इसका मात्र एक साधन ध्यान है। बिना ध्यान का जीवन में ज्ञान अधूरा रह जाता है। ज्ञान में जिस तरह भोजन घी से शुद्ध होता है, उसी तरह से ज्ञान ध्यान से ही शुद्ध होता है। इसी साधना क्षमता के कारण मनुष्य सृष्टि की श्रेष्ठ रचना है, और वह शक्ति धर्म ज्ञान ही है, किंतु केवल मनुष्य योनि प्राप्त कर लेना उन्नति की चरम सीमा नहीं हो सकती है। इसलिए संसार समस्याओं का घेरा है, इस समस्याओं से
उबरने का एकमात्र साधन है धर्म ज्ञान, गीता का ज्ञान, श्री रामचरितमानस का ज्ञान, यही धर्म का ज्ञान है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम श्री राम का जीवन दर्शन ही हमारे लिए मार्गदर्शन है। हम आदि देव, देवों के महादेव, देवों के देव महादेव शिव शंकर जिस तरह से ध्यान में ध्यानस्थ रहते हैं, उसी तरह से हम भी ध्यानस्थ होकर के अपने जीवन को, अपने आत्मा को उन्नत कर सकते हैं और इस संसारिक जीवन और मरण से मुक्त हो सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और उम्मीद के साथ कि हम मनुष्य होने के नाते धर्म ज्ञान अर्जित करेंगे और अपने जीवन को धन्य मनाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए उन्नत करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप अपने जीवन को उन्नत समुन्नत बनाए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।